मेरे से ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई हम ICICI का पॉकेट ऐप में अपना नाम हम कैसे चेंज कर सकते हैं। मैंने अपना नाम गलत फिल कर दिया, उसे हम कैसे चेंज कर पाएंगे, चेंज होगा या नहीं होगा आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। एंड हाँ, आप लोग को मैं पहले ही बता दूँ भाई, मैं टाइटल इस वजह से दिया हूँ ताकि आप लोग इस वीडियो पर आ सको। अगर मैं टाइटल ये डालता कि आप ICICI में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, सो आप ये टाइटल तो सर्च नहीं करते ना, एंड आप लोग को पता भी नहीं पड़ता। सो इस वजह से मैंने ये डाल रखा है ICICI का पॉकेट नाम आप कैसे चेंज कर सकते हो, तभी आपको ये इन्फॉर्मेशन पता पड़ा है एंड तभी आप इस वीडियो पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख रहे हो। सो कोई भी आप कमेंट करने से पहले अपना माइंड यूज करना, गधों की तरह कुछ भी यहां पे कमेंट वगैरह करके मत जाना। एंड आज की वीडियो में आप लोगों को पूरा कंप्लीट भाई बताने वाला हूं आपका नाम चेंज होगा या नहीं होगा। प्लस मैंने ICICI कस्टमर से बात किया, चैट सपोर्ट पे भी बात किया, तो उन लोगों ने मेरे को क्या रिप्लाई दिया आपका पूरा प्रोसेस इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आपको लेके चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। सो मैं आ चुका अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आता है इसके रिलेटेड में भाई ऑलरेडी मैंने वीडियो दे रखा है, कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे KYC वेरीफाई करना है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। प्लस इसका डेबिट कार्ड का भी मैंने अनबॉक्सिंग कर रखा है, आप उस वीडियो को भी देख पाओगे। सो इजी तरीके से आप नीचे क्लिक कीजिए, वीडियो वॉच कर लीजिए। अब रह गया कि भाई इसका नाम चेंज होएगा या नहीं होगा, तो मैं आप लोग को पहले ही बता दूं भाई नाम चेंज नहीं होगा। रीज़न क्योंकि आपका जब इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट लिया गया था, जब फर्स्ट टाइम जो भी डॉक्यूमेंट से आपने अपना यहाँ पे किया था का वहाँ पे डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही आया था। जैसे कि मान के चलिए आपके डॉक्यूमेंट में आपका नाम मुकेश है, तो आपका इसमें नाम मुकेश ही रहेगा। आप चाहोगे कि मैं बाद में इसे चेंज कर लूं, सो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। एंड यहां पे आप लोग को ऑथराइज मांगा जाएगा, सिंपल सा ऑथराइज कर देना है। आप लोगों में प्रूफ के तौर पे भी यहां पे बता दूं, जो मेरा यहां पे कार्ड नंबर रहेगा वो देखने को मिल जाएगा, UPI नंबर यहां पे देखने को मिलेगा, एंड जो मेरा बैलेंस है इधर देखने को मिल जाएगा। बाकी अब देखिए मैं जैसे ही इस पे क्लिक करता हूं, ये मेरा प्रोफाइल आइकन है। नीचे में यहां पे कोई भी ऑप्शन नहीं है जहां से आप चेंज कर सकते हो, जैसे होम बटन है, प्रोफाइल आइकन है। प्रोफाइल पे जैसे आप क्लिक करते हो तो यहां पे आपका QR कोड आ जाएगा। आप QR कोड यहां पे निकाल सकते हो अपना, एंड यहां पे पेमेंट रिसीव कर सकते हो, किसी से भी आप बोल सकते हो, स्कैन करके आपको पेमेंट कर देगा। बट अब रहेगा कि हम अपना नाम चेंज करना चाहते हैं, नाम चेंज होएगा नहीं होएगा। सो आप लोगों को मैंने बता ही दिया भाई नाम इसमें चेंज नहीं होने वाला, आपके डॉक्यूमेंट में जो नाम है वही नाम है। अदरवाइज आपने अपने डॉक्यूमेंट में नाम अलग रख रखा है, आपका इसमें नाम गलत फील हो चुका है, सो आप इसे कैसे चेंज कर सकते हो, ये आप लोगों को भाई तरीका इसमें हो सकता है, चेंज यहां पे हो सकता है। लेकिन डॉक्यूमेंट में जो नाम है सेम इसमें नाम है वो आप चेंज करना चाहते हो तो नहीं होगा, पहले यहां पे आप लोगों को कंफर्म हो चुका है। नीचे में आप यहां पे लॉयल्टी पे क्लिक करोगे तो यहां पे रेफर फ्रेंड का ऑप्शन मिलेगा, या नहीं तो यहां पे पेबैक पॉइंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सर्विस पे आप क्लिक करोगे तो यहां पे फिजिकल कार्ड रिक्वेस्ट का, आपका यहां पे एड्रेस अपडेट का, ईमेल आईडी अपडेट का, ट्रैक का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपने कार्ड अपना ऑर्डर कर रखा है तो यहां पे आपका आ जाएगा रिक्वेस्ट वॉलेट क्लोजर का, आप यहां से अपना जो ये अकाउंट है इसे क्लोज कर सकते हो। अगर आपको चाहिए अपना अकाउंट क्लोज करना है तो भाई नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको स्पेशल एक वीडियो दे दूंगा क्या क्या उसमें क्लोज करना पड़ता है। अभी अगर कंप्लेंट करना है तो इस पर आप क्लिक करके कंप्लेंट कर सकते हो। बट अब रहे नाम चेंज कैसे हम कर सकते हैं, सो देखो यार नाम चेंज करने के लिए आप लोग को इसके सपोर्ट टीम से बात करना पड़ेगा। यहाँ पे ऊपर में हेल्प का ऑप्शन मिलेगा, हेल्प पे आप लोग को क्लिक कर देना है। यहाँ पे कॉल का ऑप्शन है या चैट विद का ऑप्शन है, मैंने चैट करके पूछा था, सो उन लोगों ने यही मेरे को बताया, जो आपके डॉक्यूमेंट पे नाम है वही इसमें नाम रहेगा, वो नाम चेंज नहीं होगा। लेकिन डॉक्यूमेंट में अलग नाम है एंड आपने इसमें गलती से अलग नाम फिल कर दिया, वो चेंज हो जाएगा। वो कैसे होगा, आप लोग को इनसे चैट पे बात करना पड़ेगा या कॉल पे बोलना पड़ेगा, कॉल पे उन लोगों से बात करना पड़ेगा। बाकी का जो प्रोसेस रहेगा वही बताएंगे आप इसे नाम कैसे चेंज कर सकते हो। इसमें एप्लीकेशन में कहीं पे भी नाम चेंज करने का ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है। सो होप आपका जो भी डाउट था वो क्लियर हो चुका है। अब रहेगा भाई चैट कैसे करना है, तो सिंपल सा इस पे आप लोगों को क्लिक करना है, पुरचीट पे क्लिक कर देना है, या यहां पे आपको कॉल का ऑप्शन मिलेगा, कॉल पे आप लोगों को क्लिक करना है। यहां पे आप अपने तरफ से कॉल उनको कर सकते हो, लेकिन भाई कॉल मेरे को जहां तक पता है जल्दी नहीं लगता है। सो मैं आप लोगों को बोलूंगा चैट पे क्लिक करो, पुरचीट पे क्लिक कर दो, अलाउ पे यहां पे क्लिक कर दो, आपका इनसे जो भी प्रॉब्लम रहेगा यहां पे आप चैट पे बात कर सकते हो। सो होप भाई आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। भाई थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो भाई वीडियो को लाइक शेयर कर देना, एंड इसके रिलेटेड में और कोई दूसरा अगर प्रॉब्लम आता है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। सो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।